गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे और आज हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जनरली इस टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंपल सेंटेंस नहीं बनते हैं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखेंगे और सबसे पहले सीखेंगे कि जिनमें पहले शब्द पहले या पूर्व शब्द लगा होता है, फिर बाद में जिनमें लगा होता है, आफ्टर का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले जिनमें बिफोर यूज होता है, पहले शब्द आता है, उनको पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, ओके? ठीक है। सबसे पहले जिनमें बिफोर आता, पहले आता, तो जब बिफोर आता है तो पहला सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम हैड लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ओके? और इसके बाद हम बिफोर लगाते हैं बच्चों, और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट इट में भी आर नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हम लगाते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर उसको मिस कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ओके? ये इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, और ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे आपको। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये जो बिफोर की पहले वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको आप बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और जो ये बाद वाला पार्ट होता है, इसको आप बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ओके? अब ये बीच में आपका बिफोर लगता है, ओके? सेंटेंस है, जैसे एग्जांपल में बोला कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी छूट चुकी थी, जा चुकी थी, गाड़ी छूट चुकी थी, ओके? पहला कार्य कौन सा हुआ? जहाँ से हम पहचानते हैं उसी का पहले हम ट्रांसलेशन करते हैं। गाड़ी छूट चुकी थी, तो क्या बनाएंगे? द ट्रेन हैड स्टार्टेड कर सकते हैं या लेफ्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? स्टार्टेड लिखना है? अच्छा, आपका मन है स्टार्टेड का, तो हम स्टार्टेड लिखते हैं, लेकिन मेरा मन तो ये है कि हम लेफ्ट लिखें, ओके? द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी पहले छूटी थी, उसको पहले बनाएंगे, वहाँ से पहचान हमारा चुका था, चुकी थी, तो इसको पहले बनाएंगे, ओके? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई reached second floor. I reached the station. Okay. दूसरा देखिए, मेरे स्टेशन
बार बार स्टेशन ही लिखोगे, मेरे विद्यालय पहुंचने से पूर्व, मेरे विद्यालय पहुंचने से पूर्व क्या हो गया था, घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ, घंटी बज चुकी। तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो द बेल हैड रंग, थर्ड फॉर्म रिंकी, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। बच्चों क्लियर है? अगला सेंटेंस, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो पहला काम क्या हुआ, चोर भाग गया था। इसको हम पहले बनाएंगे तो कैसे बनेगा, द थीप हैड रन बिफोर, अब इसके बाद पास्ट इंडिकेटिव बिफोर द पुलिस केम। ओके, इस तरह से पहला पास्ट परफेक्ट में अगर बिफोर लगा है, और बाद वाला किस में बनाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, डॉक्टर साहब के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। डॉक्टर साहब के आने से पहले रोगी मर चुका था, कौन सा कार्य पहले हुआ, और पहचान आप यहीं से करते हैं, तो इसी को आप सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, क्या हुआ, रोगी मर चुका था, तो ये कार्य पहले हुआ, तो इसी को बनाएंगे आप, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर लगाया, बिफोर द डॉक्टर। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई पास्ट इंडेफिनिट में, Before the doctor came. Okay? One example more. पीछे से आवाज आई, one example more. है? तो मैंने कहा तूफान आने से पहले, पहले लिखें या पूर्व लिखें, तूफान आने से पहले पेड़ गिर चुका था। ओके, अब कौन सा कार्य पहले हुआ, पेड़ गिर चुका था, द ट्री हैड फॉलन, द ट्री हैड फॉलन बिफोर द स्टॉर्म केम।
ओके, ये अच्छी तरह समझ में आए। किसी सेंटेंस को हम बिफोर या आफ्टर से बना सकते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम चाहें तो हम बिफोर या आफ्टर से बना सकते हैं। अब जैसे देखिए, तो फर्क क्या पड़ेगा, जब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे तो बाद वाला परफेक्ट में होगा और पहले वाला किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी ये ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इट मे बी आर नॉट, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, होगा तो लिखेंगे और नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम आफ्टर लगाएंगे। ओके, प्लस आफ्टर, फिर क्या हो जाएगा, फिर इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, हेड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर ऑब्जेक्ट आता है तो फिर इसके बाद आप क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है ना, इस तरह से इसको बना, ये स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम बाद में चेंज करते हैं। ओके, इसको रब कर देते हैं और इसको हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। भाव में कोई अंतर नहीं आएगा, तो हमने लिखा मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी छूट चुकी थी, तो इसको कैसे बनाएंगे, गाड़ी छूटने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है, गाड़ी छूटने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब इससे पहचान इससे होगी, मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहला वाला सेंटेंस किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, ओके, मैं स्टेशन पहुंचा, ये पहले लिखा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन स्टार्टेड लिख सकते हैं या लेफ्ट लिख सकते हैं। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट लिखें या स्टार्टेड। अब दूसरा वाला किसमें बनता है, परफेक्ट में, और पहला वाला किसमें बनेगा, इंडेफिनिट, क्योंकि आपने क्या लगाया है, आफ्टर लगाया हुआ। अब इस सेंटेंस को हम हिंदी में बदलें, मेरे स्टेशन, इसको आप बना चुके हैं पहले सेंटेंस को, इसको रब कर दें, इसको रब कर दें। ओके, अब इसी सेंटेंस को हम, अभी तक आपने लिखा था पूर्व, अब हम लिखेंगे घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, घंटी बजने के बाद
मैं स्कूल पहुंचा। ओके, सेंस में कोई अंतर नहीं। अब हम बात से बना रहे हैं, तो पहला वाला आपका इंडिफिनिट में बनेगा, मैं स्कूल पहुंचा, आई रीच्ड स्कूल। ओके, क्या लगाएंगे? आफ्टर द बेल हैड रंग। अगर आपने आफ्टर लगाए तो बाद वाला परफेक्ट में होगा, और बिफोर लगाएंगे तो पहले वाला परफेक्ट में होगा। एनी कंफ्यूजन? एक सेंटेंस को, उसी सेंटेंस को हम बिफोर से भी बना सकते हैं और आफ्टर से भी बना सकते हैं, सेंस में कोई अंतर नहीं होगा। अगर बिफोर से लगाएंगे तो परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पहले करेंगे और बाद में किससे करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपने आफ्टर लगा दिया तो बाद वाला किस में बनेगा? आप आफ्टर लगा रहे हैं तो बाद वाला परफेक्ट में, बिफोर लगाए तो पहले वाला परफेक्ट में बने। ओके, बहुत इजी है। तो इसको आपने बना लिया किससे? आफ्टर से। ओके, अब अगले सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे लिखा हुआ है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था या भाग गया था। इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते थे, चोर के भागने के बाद, ऐसे लिख सकते हैं ना, चोर के भागने के बाद पुलिस आई। ओके, दोनों में कोई अंतर है सेंस में? नहीं। पुलिस के आने के बाद, आने से पहले चोर भाग चुका था, हम ये भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं चोर के भागने के बाद पुलिस आई, ठीक है ना। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा? द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन। ओके, ये द पुलिस केम आफ्टर द थीप हैड रन, या रन अवे लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने उन्हीं सेंटेंसेस को बिफोर से बनाया और उन्हीं को आफ्टर से बना दिया। ओके, ये दो एग्जांपल है, इनको भी अब हम आफ्टर से बनाएंगे। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ, डॉक्टर साहब के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। हम ये भी तो कह सकते हैं, रोगी के मरने के बाद, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब आए। ओके, अब यहीं से पहचान है और इसी को हम पहले बनाएंगे। अब तो इसको कैसे बनाओगे? द डॉक्टर द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड Died. ऐसा भी लिख सकते। अंतर क्या हुआ नीचे वाले सेंटेंस और ऊपर वाले सेंटेंस में? देखिए, जब हमने बिफोर लगाया था तो पहले वाला परफेक्ट में,
और जब हमने आफ्टर से बनाया तो बाद वाला परफेक्ट में हो गया, वो पहले वाला सेंटेंस बाद में चला जाता है। समझ में आ गया? जब आफ्टर लगाया तो परफेक्ट जो है वो बाद में यूज होगा, बाद में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया, एक ही सेंटेंस को चाहे आप आफ्टर से बनाएं या बिफोर से, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। आखिरी एग्जांपल है, ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तूफान आने से पहले पेड़ गिर चुका था। इसको ये भी तो कह सकते हैं, पेड़ के गिरने के बाद तूफान आया। दूसरे में क्या हमने कहा था, तूफान आने से पहले पेड़ गिर चुका, मतलब दोनों का सेम है। अब इसको बनाएंगे तो ये पहले बने क्या है, कैसे बनाएंगे द, अरे इसको आप पहले लिख दीजिए बस, और ये जो ये सेंटेंस है ये बाद में ले जाइए बस, ये सेंटेंस जो है पहले आ जाए। कैसे लिखेंगे, द स्टॉर्म केम, लिख लिया, ये आपने अच्छी तरह से लिख लिया। जो बाद में लिखा था वो पहले लिख लेंगे, क्योंकि हमें आफ्टर यूज करना है तो बाद वाला परफेक्ट में होगा। अब जो पहले लिखा था इसको बाद में केवल लिख देना, द ट्री हैड फॉलन। ओके, तो हमने आपको सिखाया कि एक ही सेंटेंस को आफ्टर या बिफोर से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस आपने आफ्टर से भी बनाए और बिफोर से भी बनाए। अंतर क्या होता है बच्चों, अगर बिफोर से बनाते हैं तो पहला वाला सेंटेंस जो होता है वो परफेक्ट में बनता है, और बाद वाला पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। अगर आफ्टर लगाया है तो बाद वाला, जैसे अभी देख रहे हैं, बाद वाला परफेक्ट में बनता है, और जो पहले सेंटेंस लिखते हैं वो किस में बनता है, पास्ट इंडिफिनिट में बनता है, सिंपल पास्ट में बनता है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर माइंड यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड आई शैल ट्राई टू रिमूव द डाउट्स ऑफ योर माइंड। इसकी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। ओके, बाय बाय, वी शैल मीट नेक्स्ट डे, टेक केयर।